जंतर मंतर पर पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। सबसे पहले भारत माता की जय, और आप सभी को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों की तरफ से हम हाथ जोड़ के आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं कि आप लोग हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हम खेल के मैदान में हो या किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी मुश्किल में हो, आप लोग हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। अभी हम अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू कर रहे हैं। अरे यार क्या है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, प्लीज चलो आप बोलते रहो मेरे बजरंग, आप बोलो भाई। हाँ बोलो बोलो, करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा समय पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगी, हमने दो दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी, और दो दिन हो गए हैं अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी सात लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली थी। ढाई महीने हो गए, ढाई महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन ढाई महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि ढाई महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठा कि झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। बजरंग से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि ढाई महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी बैठ गए? नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है, जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। बजरंग सेंसिटिव क्यों है, क्या किसी तरह की क्या मिली है आप लोगों की या वो लड़कियों की? देखो सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है, इसीलिए ये है कि दो दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है कितना सेंसिटिव हो सकता है। बजरंग जब लास्ट हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो रिपोर्ट आएगी, एज इन जो मंत्रालय जो डिसीजन लेगा उसके आगे हम लोग कुछ करेंगे, तो आज दो दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पे बैठ गए? देखिए जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है, FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी सात लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर FIR हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा? तीन महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को, और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है, हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं।
या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है ऐसा लग रहा है आपको? देखिए आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं, हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज आप लोग अनुराग ठाकुर जिसे आपने समय मांगा था मिलने का वो नहीं मिला क्या, इसलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है, हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर के समय मांगे, देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे। आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कोई समय नहीं मिला? मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या गुहार लगाएंगे जंतर मंतर से आपको? हमें देखो पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है, अगर हम जैसों की ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज़ जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, वो उस पर वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन कर। बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं, कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए, लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है विनेश, लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल आया, कहाँ के खत्म हो गए हम, कहाँ मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया, हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत है। विनेश भरोसा है आप पे कि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही है टॉर्चर था, पहले भी बात की, कमेटी पे भरोसा है या सदन से आप जाते ही बदली जाए वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है और डिसीजन क्या लिया गया? हाँ बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। हर चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए, सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए, ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था, हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। विक्टिम जिसने गलत किया उसमें से कोई आएगा क्या? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है, ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है, हाईकोर्ट के ऑर्डर है ये तो कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी, कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश आपने जब धरना जब आप लोग आए थे 2 महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक ब्रिजभूषण नहीं जाएंगे, बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं वर्ल्ड, तो इससे एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है, हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है, हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज़ को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं,
हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं, हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला है। उनका कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दांव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आने वाले आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान है उनका जीवन हम दांव मतलब खराब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में, कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। विनेश सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगाए जी उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। विनेश वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं। तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तुलने में दिखाएंगे अपना। विनेश आपने 7 लड़कियों का नाम लिया, एक माइनर है, क्या आप बता सकती हैं कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है, मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं, बड़े नाम है, छोटे नाम है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी ये भी आरोप लग रहा है कि एक परिवार है, आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भूषण के साथ है। कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे, पूरा देश देखे तो सही। अरे मत लड़ो। अरे भाई लेकिन मैडम ये बताइए कि तीन चार लोग ईश्वर दत्त उसमें है, मैरी कॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता है, उसको भी सत्ता ने प्रभावित किया है? देखिए जी आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी क्या नहीं कर रही है, बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे, आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है विनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है, वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले, जो हमारे साथ में गलत हुआ है वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। क्या कमेटी उनकी बात सुन रही है? अगर आपकी बात हुई है तो क्या कमेटी बात सुन रही है? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या वो क्या कह रहे हैं विक्टिम, क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी बात हुई है? सर उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दी है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है एसएचओ साहब को दे दिया, तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट, उन्होंने तो अपनी कंप्लेंट दी। मतलब इसका मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है जो काम है उससे असंतुष्ट हैं वो लोग, इसीलिए पुलिस में गए? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं, तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में? वो तो आप मंत्रालय या कमेटी पता ही नहीं था कि धरना हो रहा है जो पिछले साल आपके साथ थे, पिछली बार जो आपके साथ थे, ऐसा क्या? जिस दिन पहले दिन आए थे हम, पहले भी आए थे तो हम 8-10 लोग ही आए हैं, तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो, हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए, लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से सारे देशवासी जितने भी खिलाड़ी हैं मीडिया कर्मी हैं देशवासी हैं, हम सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। हमारी डिमांड कोई भी नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि कुश्ती सेफ हाथों में जाए, अच्छे लोग कुश्ती में आए जो देश की कुश्ती को आगे बढ़ाए, ना कि उसमें बाहुबली बदमाश और लड़कियों को जो परेशान करने वाले लोग इसमें आए। ये केस के बारे में क्या? केस के बारे में हम मैडम बताया तो है कि भाई हमने एफआईआर के लिए कंप्लेंट 48 घंटे हो गए जी, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है, 48 घंटे से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हमें जंतर मंतर पे बैठने की भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है, हम बैठे हैं पुलिस अभी भी हमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं दे रही है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि देश की जनता से हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए, उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाए। FIR लॉन्च होने के बाद में जब तक उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इधर ही बैठेंगे जी। बजरंग भाई बबीता फोगाट पिछली बार आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी,
वो ओवरसाइट कमेटी का की मेंबर भी हैं, वो आप लोगों के परिवार से भी हैं, उनके बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया जो आप आरोप लगा रहे हैं। बबीता फोगाट को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी और वो ओवरसाइट कमेटी में भी थी। देखिए, हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी, क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी। अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है। क्या किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है? और हमने तो ये भी बोला, क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में, और हम कमेटी से बात करते तो ब्लैक कमेटी कर रही है सब कुछ। क्योंकि अगर फिर कमेटी कुछ कर ही नहीं रही, फेडरेशन सब कुछ कर रही है, तो फिर कमेटी ने इसका मतलब फैसला दे दिया अपना, तो हमें नहीं पता कि क्या गोलमोल हो रहा है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो ओवर साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे, अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोगों ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं, आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उससे जो अभी प्रेसिडेंट, उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का, अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग का कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे? वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं। कौन से नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया? एक बार मेडल दिखा दीजिए। अच्छा, बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, जो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी है, फोटो दिखा दीजिए। मंत्रालय का तर्क है कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में आप अगर मंत्री से मिलेंगे तो जांच प्रभावित नहीं हो जाएगी? मंत्री से क्यों नहीं मिले? मंत्री जांच में कमेटी में थोड़ी ना है, मंत्री से तो बात कर सकते हैं क्या चल रहा है। वो तो सब लोगों से बात कर रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, खिलाड़ी किसी से नहीं मिल रहे। बजरंग, कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको प्रधान बनने का, तो आप मानेंगे? मैं रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी एक्टिव प्लेयर हूँ। अगर ये धरना नहीं होता तो मैं भी टूर्नामेंट खेलता, एशियन चैंपियनशिप थी, रैंकिंग सीरीज थी, मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बस ठीक है जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। मीडिया है, फौजी आदमी हूँ। अरे मैं अपना फोन ले रहा हूँ भाई, स्टॉप करो। बस बस बस, अरे तो जंतर मंतर पर कुश्ती के खिलाड़ी एक बार फिर से मोर्चा खोले हुए हैं। मसला बात कुश्ती फेडरेशन में जिस तरीके से काम होता है, उस काम का विरोध करना है। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को बर्खास्तगी की मांग लगातार खिलाड़ी करते आए हैं। आज से 2.5 महीना पहले भी पहलवानी के ये तमाम खिलाड़ी धरने पर बैठे, उसके बाद खेल मंत्रालय एक्टिव हुआ, एक कमेटी का गठन भी हुआ, उस कमेटी को जांच पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज उसी कमेटी की जांच पड़ताल को लेकर एक तमाम खिलाड़ी सवाल कर रहे हैं कि जांच कहां चल रही है, क्या हुआ, इस बीच इन्हें कुछ पता नहीं है। पहलवानों ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है और ये भी ऐलान कर दिया है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो जंतर मंतर पर बैठेंगे। कनॉट प्लेस थाने में एक बकायदा एक एप्लीकेशन दी गई है, एक पत्र दिया गया है इन लोगों के द्वारा, और उस पत्र पर FIR दर्ज नहीं हो रही है, ये भी आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कुश्ती सही हाथों में जानी चाहिए, ये मांग की जा रही है। यानी कि रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है, कोई हमें पारदर्शिता है ही नहीं कि ये रिपोर्ट थी, हमें नहीं पता है। थाने में एक जो शिकायत दी है, इन्होंने क्या शिकायत दी है? 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है हमारी, 7 लड़कियों ने, और उनमें से एक माइनर भी है,
सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ है। कोई इसमें नाम है आरोपी का, किसके खिलाफ दिया है आपका? नाम तो देखो वही बात है, ये इन चीजों में नाम कौन बताता है? आरोपी जो है जो जिसके खिलाफ है वापस यहाँ पर आना पड़ गया। तो जो कमेटी बनी थी उसने इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है, उसकी जांच पड़ताल के बारे में पता नहीं है, खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह कहना है। प्रणय शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रणय, आज से तकरीबन ढाई तीन महीना पहले भी यही स्थिति थी, खिलाड़ी नाराज थे, पहलवान नाराज थे, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने कमेटी को जिम्मेदारी दी गई, अब उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रणय, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो दिल्ली पुलिस लगातार मामले को टाल रही है। दिल्ली पुलिस को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पहलवान, क्योंकि 48 घंटे पहले एक एप्लीकेशन बाकायदा खिलाड़ियों द्वारा दी गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की एप्लीकेशन है, जिसमें 7 लोगों का जिक्र किया गया है, 7 लड़कियों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक लड़की माइनर बताई जा रही है, और उस पर पुलिस हिलावाली कर रही है, FIR तक दर्ज नहीं कर रही है, या आरोप लगाया है खिलाड़ियों ने। दिल्ली पुलिस पर लगातार वो कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन दी है इस पर FIR होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। महिला खिलाड़ियों ने तमाम आरोप पहले भी लगाए थे कुश्ती फेडरेशन पर, और एक बार फिर से मोर्चा खोला है दिल्ली के जंतर मंतर पर। प्रणय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। प्रणय, कुश्ती के खिलाड़ी एक बार फिर से जंतर मंतर पर दंगल के मूड में हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ भी कर दिया है, साफ तौर पर एक बार फिर से आरोप लगाया है कि जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी के जरिए जो न्याय मिलना था वो नहीं मिला है। दूसरी बात ये कि हाल ही में 7 खिलाड़ियों ने कनॉट प्लेस के जो थाना है उसमें शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उसमें FIR दर्ज नहीं हुई है। खिलाड़ियों का ये भी आरोप है कि जिस मकसद के साथ वो पहले आज से ढाई महीने पहले धरने पर थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है, और लगातार उन पर ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या जो उनका धरना था वो कोई बिना नतीजे का रहना था या उससे वाकई में किसी को इंसाफ दिलाना था। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं। खिलाड़ियों ने ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से कुश्ती संघ चल रहा है ऐसे कभी चला नहीं है, और कुश्ती संघ में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई है कि वो उन पर भरोसा है प्रधानमंत्री पर कि उन्हें न्याय जरूर दिलाया जाएगा और वो दिलाने में मदद करेंगे, और उसी एक अपील भी यहाँ से खिलाड़ियों के द्वारा प्रधानमंत्री को की गई है कि जो मांग लेकर खिलाड़ी ढाई महीने पहले धरने पर बैठे थे, जिन मांगों को लेकर लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था, एक बार फिर से उन्हीं मांगों को लेके खिलाड़ी इस बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। अहम एक और बात यहां पर यह भी कही है खिलाड़ियों ने कि इस बार वो जंतर मंतर पर ही रहेंगे, यहां से वो नहीं जाएंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। जी अपने जो कमेटी का जिक्र किया जा रहा है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि एक जांच कमेटी और एक खेल के कामकाज यानी कुश्ती के कामकाज को लेकर कमेटी बनी थी। इन कमेटियों के बारे में कोई अपडेट, इनकी कार्यशैली और इनका काम कैसा चल रहा है, कुछ निकल कर आया क्या? देखिए, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कमेटी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई संपर्क नहीं किया गया। पिछले ढाई महीने से खिलाड़ी इस इंतजार में बैठे थे कि शायद कोई इस मामले को लेकर कोई बातचीत होगी, कहीं आगे जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही में अनुराग ठाकुर को लेकर भी खिलाड़ियों का ये कहना है कि उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई संवाद इतने लंबे समय में खिलाड़ियों के साथ नहीं किया है। ये तमाम जो आरोप हैं वो खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए हैं। तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में जो ये पूरा इस मामले को लेकर जो माहौल पहले बना था वो एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल इस मुद्दे को लेकर अब खिलाड़ी जो हैं वो आर पार की लड़ाई में
दिखाई दे रहे हैं। प्रणय, कुश्ती संघ के बारे में कोई खबर, जिस तरीके से आरोप लगे और उसके बाद कामकाज को लेकर ये कहा गया कि नई परिस्थितियों में आप काम होगा, आगे का काम होगा, और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, क्या ऐसा कुछ हुआ? इनका आरोप खिलाड़ियों का ये है कि जो बदलाव की बात कही जा रही थी, जिन मुद्दों को लेकर कमेटी का गठन हुआ था, जो जो इनकी मांग थी उस पर कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया है कि हाल ही में जो एक शिकायत दर्ज कराई गई है कोटप्लेस थाने में, उस शिकायत को लेकर भी एफआईआर दर्ज पुलिस नहीं कर रही है, जबकि दो दिन से लंबा वक्त हो चुका है। ये आरोप लगातार जो है वो खिलाड़ियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और अब खिलाड़ियों ने साफ कह दिया है कि वो जंतर मंतर से हटने वाले या हिलने वाले नहीं है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। चलिए, नजर बनाए रखिएगा प्रणय, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से, कुश्ती के खिलाड़ी दंगल के मूड में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पर जो इंसाफ की बात दो से तीन महीना पहले खिलाड़ियों ने की थी, उसी इंसाफ को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई जा रही है।